घर छोटा हो या बड़ा, इसको ऑर्गेनाइज करना एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसको मैनेज करने के लिए छोटे बड़े आइडियाज़ यूज़ करने ही पड़ते हैं। आप इसको जुगाड़ भी बोल सकते हैं, और हमारे पाकिस्तानी और इंडियन घरों में तो ये छोटे मोटे जुगाड़ लगते ही रहते हैं। इन प्रॉब्लम्स के लिए कैसे कम पैसों में अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, आज आपसे इसी से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आप इनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेट्स जंप इन टू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अ न्यू वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। किचन के कुछ सेंसिटिव कामों में से एक काम धनिया पुदीना स्टोर करना है, क्योंकि ये डेली बेसिस पर यूज़ हो रहा होता है, तो इसके लिए एट टाइम संभालना भी एक काम होता है। सो टिप नंबर वन है, आपके घर में ये फूड डिलीवरी बॉक्सेस तो आते ही हैं, आजकल तो ये रिवाज हो गया है, और उसके बाद उनके साथ इस तरह के टिश्यू पेपर्स भी होते हैं, तो आपने क्या करना है, इनको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। मैं तो इनको ख़ास स्टोर कर लेती हूँ, ये मेरी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो आपने ये टिश्यूज़ जो हैं पहले नीचे एक तह लगानी है, उसके बाद आपने धनिया ऊपर रख के तो साफ़ करके, आप वॉश ना करें, वैसे ही आप रख दें, वॉश कर दिया तो फिर ये गल जाने का ख़तरा होता है, तो उसके बाद फिर उसके ऊपर एक लेयर कर दें टिश्यू की, और अब ये 7 से 8 दिन के लिए ईजीली स्टोर हो सकता है। इसी तरह से आपकी हरी मिर्चें भी हैं, सेम ऐसे ही नीचे भी टिश्यू की लेयर लगा के और ऊपर भी लगा कर तो आपकी मिर्चें भी स्टोर हो सकती हैं, और पुदीना भी ऐसे ही आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बेस्ट आइडिया भी है मेरे पास, चलते हैं वो देखते हैं क्या है। टिप नंबर टू है कि आप एक ग्लास में पानी ले लें या ऐसा कंटेनर ले लें कि जिसमें कि आपका ये धनिया की जो बंच आपके पास है वो इसके अंदर डिप हो सके। तो ये मैंने ले लिया छोटा सा, ये मेरे पास शुगर पॉट है, ये अब यूज़ में नहीं है, तो इसके अंदर मैंने पानी भर लेना है। बस इतना आपने पानी डालना है कि जिसमें आपकी बंच जो है वो डिप हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं वरना वो बाहर निकल आएगा। तो बस इसके अंदर आपने उसकी बंच को फिक्स कर देना है, जैसे कि आपने कोई फ्लावर लगाया है, तो इस तरह से ये काफ़ी दिन तक आपका स्टोर होकर रह सकता है। आप फ्रिज में इसको डायरेक्ट इस तरह दरवाजे के अंदर इसके रख दें तो ये बेस्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी टिप नंबर 3 जो है वो लेडीज़ के ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है। ये जो हमारे मेकअप ब्रशेज़ होते हैं ना, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि ये एट टाइम्स जब हम यूज़ करते रहते हैं तो इनके अंदर डर्ट भी होता है, गंद हो जाता है, मेकअप जो है वो भी इसके अंदर स्टिक कर जाता है, तो ये होता है कि ये वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, स्किन जो है वो एक्नी प्रोन भी हो सकती है, और भी हमारे स्किन के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये इसके लिए क्या करते हैं, चलते हैं बाउल में पानी ले लेते हैं, इस तरह से खुले बाउल में पानी लेना है कि जिसके अंदर अच्छे से ये आपके ब्रशेस जो हैं वो अच्छे से डिप हो जाएं। तो लूक वार्म सा पानी ले लिया मैंने, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने सिरका ऐड कर दिया, और उसके बाद उसके अंदर 1 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया, फिर मेरे पास जो घर में शैम्पू पड़ा था थोड़ा सा मैंने वो डाल दिया, तो उसके बाद इसको मैंने एक मिक्स दे दिया। तो मिक्स देने के बाद ये ल्यूक वार्म सा पानी है, बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं लेना क्योंकि ब्रशेस के लिए फिर वो ओवर सेंसिटिव हो जाएगा, तो आपने उसके अंदर ये सारे अपने ब्रशेस जो है वो डिप कर देने हैं। डिप करके उनको अच्छे तरह से ज़रा आपने उनको मिक्स कर देना पानी के साथ, और उसके बाद आपने ऊपर लिड दे के इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए आपने रेस्ट दे देना है। उसके बाद आप ये देखें कि 2 घंटे बाद आपको खुद ही नज़र आएगा कि पानी के अंदर, वैसे ऐसा ही देखने में ये ब्रशेस बिल्कुल गंदे नहीं लग रहे थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं पानी कितना गंदा हो रहा है, और अब मैंने हाथों से, हल्के हाथों से, बिल्कुल सॉफ्ट से हाथों से इसके ब्रशेस के ऊपर के ब्रिसल्स को मैंने रब कर लिया ताकि इसके अंदर से भी कोई डर्ट वगैरह हो तो वो निकल जाए। और अब आप पानी देख सकते हैं, इसको देखने से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर से कितना ये मेकअप का जो प्रोडक्ट है वो भी निकला है, और साफ़ पानी में इस तरह से अब मैंने इनको एक दफ़ा फिर निकाल लिया, और निकालने के बाद माइक्रोफाइबर क्लॉथ के ऊपर रखकर अच्छे से इनको मैंने ड्राई कर लिया है। ये सेंसिटिव सा काम है, ज़रा इसके लिए आपको थोड़ा सा हल्के हाथ रखने होंगे, और अब ये देखें ड्राई करके ब्रशेज़ जो हैं वो कितने साफ़ सुथरे और क्लियर हो गए हैं। तो टिप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये मैं आपको एक जुगाड़ सा बताने वाली हूँ। ये मेरे पास एक्चुअली पोटैटो मैशर है, और ये मेरे जहेज़ का है, शादी का है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, ज़रा बड़े साइज़ का है, तो एट टाइम मैं इसको यूज़ नहीं कर रही होती क्योंकि इसके अलावा मेरे पास 2 ऑप्शंस और भी हैं, तो ये ज़्यादा हैंडी हैं, इनको मैं जल्दी जल्दी यूज़ कर लेती हूँ, वो ज़रा बड़ा होता है, तो काफ़ी देर से पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इसको किसी तरह यूज़ में लाया जाए। तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे यूज़ में लेकर आई हूँ, और बड़ा ज़बरदस्त उसका यूज़ होने वाला है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो इसके ये घर में फॉक्स वगैरह होते हैं, कटलरी होती है, तो उसके जो सुराख बने हुए हैं ना, बिल्कुल मेरे फॉक्स के साइज़ के ये थे सुराख,
तो आप ये देखें मैंने आराम से क्या किया, अपने सारे फॉक्स इसके अंदर अरेंज किए और अरेंज करने के बाद भी जगह बच गई। तो उसके लिए कोई भी स्पूंस भी जो हैं वो भी इसके अंदर हैंग किए जा सकते हैं। बहरहाल मेरा तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया, मुझे तो इतना ये अच्छा लगा आइडिया। और उसके बाद आपको ये भी एक चीज़ बताऊं कि जो चीज़ हैंगिंग पोजीशन में आ जाती है ना, चलें देखते हैं, ये मैंने डोर के साथ हुक लगाई होती है। आपके कहीं पे भी आपने जो हैंगिंग पोजीशन में कोई भी कील वगैरह हुक लगाई हो तो वहाँ पर आप इसको एडजस्ट करके रख सकते हैं। तो मैं कह रही थी कि वर्टिकल पोजीशन में जो चीज़ पड़ी होती है ना, बहुत कम जगह घेरती है और आपकी आंखों के सामने होती है और हैंडी हो जाती है और ईजीली एक्सेसिबल हो जाती है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त आइडिया, आप भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। टिप नंबर 5, इसी तरह से एक और जुगाड़ है बड़ा मज़े का कि ये स्पाइडर होता है जिसके साथ हम अपनी चीज़ें फ्राई करके निकाल रहे होते हैं, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये फ्राइंग के लिए तो यूज़ होता ही है, लेकिन अब मैं इसको ख़ुद से कैसे यूज़ करने वाली हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। ये थोड़ा सा हैंडल से ख़राब हो गया था, ये देखें ज़रा थोड़ा सा ये जला जला लग रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर एक सुराख भी बना हुआ है। तो अब इसको मैं कैसे यूज़ करने वाली हूँ ये मैं बताती हूँ आपको। सेम इसी तरह हमारी कटलरी में मेरे ये स्पूंस हैं, तो स्पूंस को इस तरह एट टाइम्स होल्ड करने के लिए मैंने ये बास्केट रखी हुई है। अब इस बास्केट का क्या है कि इसके अंदर मैं रखती हूँ और इनको ऐसे, और मुझे काउंटर टॉप पर जगह भी इनके लिए चाहिए होती है। तो मैंने क्या किया है, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि जो चीज़ आप हैंगिंग पोजीशन में रखते हैं ना वर्टिकली, वो चीज़ हमारे किचन में ख़ास करके जब हमारे पास जगह भी कम हो तो फिर हम उसको हैंग करके रख देते हैं, तो वो चीज़ ईजीली हम पिक कर सकते हैं वहाँ से, और हमारी स्पेस भी जो है वो इतनी ज़्यादा वो ऑक्यूपाई नहीं करती और ईजीली अप्रोच में भी आ जाती है। तो इसी तरह से मैंने इसके अंदर अपने सारे स्पूंस भी एडजस्ट कर दिए, फिर भी देखें जगह बची हुई और कितना ज़बरदस्त, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब इसको मैं ले जाती हूँ ऐसी जगह पर जहाँ पर मैंने हुक लगाई हुई है, तो चलते हैं जी। तो ये किचन की खिड़की के पास मेरे ये हुक लगी हुई है, यहाँ पर मैं अपने कटिंग बोर्ड जो है वो हैंग कर दिया करती हूँ, लेकिन उनके लिए मैंने दूसरी जगह बना दी और यहाँ पर मैंने इसको हैंग कर दिया। और ये देखने में ही बहुत ज़बरदस्त चीज़ लग रही है, ये देखिए आप कितने ज़्यादा इसके अंदर स्पूंस आ गए हैं। आप चाहते तो इसमें और भी एडजस्ट करके रख सकते थे, लेकिन मेरे जो डेली यूज़ में वो मैंने इसके अंदर रख दी हैं, तो ये हैंगिंग पोजिशन में अच्छा भी लग रहा है और जगह भी कम घेर रहा है। तो टिप नंबर 6 है, हमारी जो आयरन होती है उसको एट टाइम संभालना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, उसकी ये वायर जो है वो इस तरह से अनमैनेजेबल हो जाती है और इंटेंगल भी हो रही होती है बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो इसको ऑर्गेनाइज़ करने का आज तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे पहले भी मैंने किए हैं लेकिन ये एक और नया तरीका मुझे आया था तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ। इसकी आपने वायर को सिंपली इस तरह से रोल कर लेना है दोनों तरफ से नरम रख के। कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि इस तरह से वायर जो है वो ख़राब हो जाती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। आपने बिल्कुल इसको नरम हाथों से ढीला ढीला रखना है, इसको ज़्यादा सख्त नहीं रखना, और उसके बाद इसको इस तरह से जब मैनेज कर लें आप एक जगह पर, तो हमारा ये कोई भी कैचर हो जो भी हमारे यूज़ में नहीं है। तो ये मैं मेहंदी लगाती हूँ, जब मैं इसको यूज़ करती हूँ इसका कलर भी फेड हो गया, अब मैं इसको यूज़ नहीं करती, तो यहाँ पर ऐसे मैंने इसको लगा दिया तो ये अरेंज हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास कोई भी रबर बैंड है ना इस तरह सा पोनी टेल के लिए, तो आप उसको इस तरह से उसके ऊपर डबल रोल कर दें और उसके स्विच को दूसरी तरफ से निकाल कर और उसका जो सिरा है रबर का उसके स्विच के ऊपर साथ अरेंज कर दें, तो ये देखें बिल्कुल आपकी तार जो है वो बिल्कुल मैनेज हो गई है और इस तरह से बिल्कुल कहीं हिलने वाली नहीं है, और इस्त्री को जहां पर मर्जी आप पिक करके लेके जा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का कॉन्टेंट, आई होप आपको पसंद आया होगा। इसमें से कौन सा आइडिया आप अप्लाई करते हैं ऑलरेडी और कौन सा आपको अच्छा लगा जो आप अप्लाई करने वाले हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक शेयर भी किया करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।